हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण आपां नैक्सट करन जा रहे हैं एक्सरसाइज 14.1 दे थर्ड द सैकेंड सम। जिवें आपां फस्ट सम कर चुके हैं, साडे कोल किन्नियां टर्म्स ने? चार। जदों भी चार टर्म्स आ जांदियां आपां हमेशा की करदे हैं, दो दो दे पेयर बना लैंदे हैं, ठीक है ना। पहले फस्ट पेयर दे विच देखांगे की कॉमन आ रहा। देखो 15 ते 6 आ, दोनों किहड़े टेबल दे मल्टीपल आ? 3 दे। और नैक्सट पेयर 5 ते 2, दोनों सेम टेबल दे मल्टीपल नहीं। जे कुछ भी नहीं कॉमन तो दैट मीनस असीं उहनूं किहड़े टेबल दे मल्टीपल लिख सकते हैं? 1 दे। सब तो पहला 15 नू 3 5 जा 15, और 6 नू की लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना। और 5 ते 2 किसी टेबल दे मल्टीपल नहीं, असी सिंपली की लिख देवांगे? 5 मल्टीप्लाई 1 और 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। हुण जदों असी कॉमन भी निकालना है तो फस्ट पेयर चों अलग और सैकेंड पेयर चों अलग। देखो फस्ट पेयर चों की कॉमन आ रहा, एक तो 3 कॉमन आ रहा, सैकेंड वन की कॉमन आ रहा एक्स। 3 ते एक्स कॉमन निकालवांगे, अपने को अंदर की बचता है सिर्फ 5 वाई। माइनस 3x कॉमन निकल गया कि बचा? माइनस 2। और नेक्स्ट भी इसे तरह, होर कुछ नहीं कॉमन आ रहा, सिर्फ की कॉमन आ रहा 1। तो साइन का दा है प्लस का, इसलिए प्लस का 1 कॉमन ले लवेंगे, बचा कि 5y माइनस 2। पहला की तरह ये दोनों फैक्टर हमेशा की आएंगे सेम, तो इन दोनों फैक्टर्स जो एक फैक्टर कॉमन ले लवेंगे और नैक्सट फैक्टर इन दोनों टर्म्स में मिला के दैट इज 3x प्लस 1। ये की आ गया साडा आंसर। इसे तरह ही सेम असी थर्ड करांगे। देखो चार टर्म्स ने, दो दो दे पेयर बना लवांगे, बहुत ही सिंपल है। देखो फर्स्ट पेयर दे विच की कॉमन आ रहा एक्स, दैट मीनस असी कॉमन की निकालांगे एक्स। एक्स कॉमन निकाले अंदर के बचिया ए प्लस बी। और सैकेंड दे विच की कॉमन है वाई, असी देखो ध्यान दे नाल कॉमन की निकाल रहे हैं, माइनस वाई कॉमन निकाल रहे हैं। माइनस वाई कॉमन निकालांगे तो अंदर साइन की हो जाएंगे चेंज, यानी कि ए प्लस बी बचूगा साढ़े को, माइनस नहीं, बिकॉज असी माइनस कॉमन निकाल लिया। हुण ए प्लस बी सेम है, दोनों एक फैक्टर कॉमन आ गया और एक फैक्टर की बच गया एक्स माइनस वाई। दैट्स आंसर। ओके।